पुणे लोकसभा उपचुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस के बाद अब एनसीपी ने पुणे लोकसभा सीट पर अपना दावा पेश किया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का कहना है कि पुणे में कांग्रेस से ज्यादा एनसीपी की ताकत है। पुणे में किसके विधायक ज्यादा है और 2019 में कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो भी विचार में लेना जरूरी है। अजीत पवार आगे कहते हैं कि किसी चुनाव क्षेत्र में जीतने की उम्मीद कम हो और वहां पर महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल की ताकत ज्यादा है तो उसे उस सीट पर लड़ना चाहिए। अजीत पवार के दावे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है। नाना पटोले ने कहा है, ताकत की बात करें तो कांग्रेस ही पुणे लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। उधर एनसीपी के सुप्रीमो और महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता शरद पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार का कहना है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल एक साथ बैठेंगे और पुणे की लोकसभा सीट पर फैसला लेंगे। शरद पवार ने यह भी कहा, क्या पुणे में एनसीपी जीत सकती है, इसकी भी पड़ताल होनी जरूरी है। दरअसल 3 महीने पहले पुणे के कस्बापेट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। इसके बाद कांग्रेस को लगता है कि पुणे के लोकसभा उपचुनाव में भी वो कमाल दिखा सकती है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पुणे सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में फाइट हुई थी और इसमें कांग्रेस उम्मीदवार की 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार हुई थी। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, News 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।